आज के समय में धान की खेती में बढ़ती लागत, सिंचाई जल के अभाव, मजदूरों की कमी और बदलते मौसम के प्रभाव से ही अधिकतर पैदावार लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो अधिकतर किसान भाई आजकल पुरानी विधि को छोड़कर नई तकनीक को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपके पास रुपाई की पुरानी विधि के अलावा दो बेहतर विकल्प भी हैं, जैसे श्री विधि और धान की सीधी बुआई। तो चलिए देते हैं पूरी जानकारी। कम पानी कम खर्च में अधिक उपज लेने की एक पद्धति है SRI, जिसे श्री विधि के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कैसे करें श्री विधि में खेत की तैयारी और रोपाई। रोपाई के 15 दिनों पहले खेत की सिंचाई एवं कदवा करें, ताकि खरपतवार सड़कर मिट्टी में मिल जाए। रोपाई के एक दिन पहले फिर से कदवा करें तथा खेत को समतल कर लें। अब हर 3 मीटर की दूरी पर क्यारी बनाएं, ताकि जल निकासी आसानी से हो जाए। रोपाई के लिए पौधा तैयार करने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होती है। 8 से 12 दिन वाले पौधों में जब 2 छोटी पत्तियां हों, तभी इसकी रोपाई की जानी चाहिए। और ध्यान रहे कि नर्सरी से बीज, मिट्टी और जड़ सहित सावधानी पूर्वक पौध उखाड़ कर कम गहराई पर उसकी रोपाई करें। धान का पौधा समूह के बजाय अकेले में अधिक बढ़ता है, इसलिए इस पद्धति के अनुसार एकल पौधा ही लगाएं। पौधों को वर्गाकार रूप में 25x25 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा जाना चाहिए। ऐसा करने से जड़ वृद्धि की संभावना अधिक होती है। धान के फूटने या उसमें फूल आने तक कम से कम 2 निराई जरूर करना चाहिए। ध्यान रहे कि श्री विधि में खेत में पानी केवल मिट्टी को गीला करने एवं आर्द्रता बनाए रखने के लिए रखा जाता है। बाद की सिंचाई तब करें जब खेत में दरारें आ जाएं। ऐसा करने से पौधे को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। श्री विधि की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए कोनो वीडर की मदद लेनी चाहिए। और एक जरूरी बात ये कि इसमें रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। पहली वर्षा के बाद मई में जुताई के समय तथा खेत में रोपाई के 1 महीने पहले गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। श्री विधि में 10 टन तक जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। नीम या करंज की खली 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3 सप्ताह पहले जुताई के समय खेत में छींट दें।